आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, हो सकता है कि आपको अजीब लगे। आज भी कोई है जो अपने मिट जाने के बाद भी अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहता है। ऐसा लगता है कि ये बिजली एक बार फिर गिरेगी। स्केर्ड यू? हाँ, लोगों को चौंका देने की बहुत बुरी आदत है मेरी। कौन था डीडी हार्ट का आदमखोर और क्या चाहता था वो वहाँ के लोगों से? ये अभी तक एक अनसुनी कहानी है जिसे आज सुनानी है। हमारे जंगल की दंत कथा कहती है कि जीवित रहने की लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। इस कहानी का आगाज जुलाई 2014 में शुरू हुआ, जब एक 11 वर्षीय लड़के को उसके घर के बाहर सड़क पर एक तेंदुए ने मार डाला। उसका घर बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों की सीमा से लगे एक गाँव के किनारे पर था। कुछ ही देर में जिस जगह पर हमला हुआ वहां सड़क से सटी झाड़ियों में उसका शव ग्रामीणों को मिला। वन सेवा के अधिकारियों को सूचित किया गया और वे उसी शाम घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की बातें सुनी। ऐसा लगता है कि रात के करीब 8 बजे लड़का अपने चाचा के घर जाने के लिए अपने घर से निकला था, जो कि उसके घर से लगभग 100 गज की दूरी पर था। उसके हाथ में उसके दादाजी का सेलफोन था और वह अंधेरे में आधा रास्ता तय कर चुका था, जब उसे लगा कि उसने एक छोटी सी बिल्ली को अपने दाहिने ओर झाड़ियों में म्याऊं म्याऊं करते हुए सुना। और उसने फोन की टॉर्च को सीधे झाड़ियों में चमकाया और झाड़ियों की ओर चल दिया। बिल्ली को देखने की जिज्ञासा यहाँ तक थी कि वह जोश में आकर अपने दादाजी से चिल्लाया, दादाजी देखो बिल्ली। फिर झाड़ियों में एक जोर की सरसराहट हुई, उसके बाद लड़के की चीख के साथ एक पृथ्वी टूटने वाली कुर्राहट और भिनभिनाहट हुई, जैसे ही एक तेंदुए ने उस पर हमला किया। इसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई जब मामला सामने आया कि एक तेंदुए ने लड़के को मार डाला है। अगले दिन लखपत सिंह रावत को वन अधिकारियों ने उनके द्वारा शुरू की गई जांच में सहायता करने के लिए बुलाया। वन अधिकारियों ने इस केस को एक आदमखोर हत्या के रूप में दर्ज किया था और इस जानवर को मारने के लिए परमिट निकाला था। मौके पर पहुंचने और क्षेत्र का थोड़ा निरीक्षण करने पर रावत जी को एक मादा तेंदुए के पगमार्क मिले और करीब से जांच करने पर उन्हें तेंदुए के शावकों द्वारा बनाए गए छोटे पगमा के 2 सेट भी मिले। लड़के ने जो सुना था वह ये था कि एक या दोनों शावक अपनी माँ को बुलाने के लिए पुकार रहे थे। दुर्भाग्य से उसके लिए माँ, जो कुछ पलों के लिए उन्हें लावारिस छोड़ गई थी, वह करीब थी और उसने लड़के को अपने शावकों के पास आते हुए सुना था। उन्होंने ये भी कहा कि लड़के को मारने वाली पहली हड़ताल के अलावा तेंदुए ने लड़के के शरीर में किसी अन्य तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया था। अपनी जांच के कुछ घंटों के भीतर रावत जी ने वन सेवा के अधिकारियों को सूचित किया था कि ये कोई आदमखोर नहीं था, बल्कि ये शावकों के साथ एक मादा तेंदुआ थी जिसने केवल खतरे और आत्मरक्षा में हमला किया था जब लड़का अनजाने में आ गया था उसके शावकों के करीब। ये घटनाओं का एक दुर्भाग्यपूर्ण क्रम था जिसमें गलत समय पर गलत जगह पर बस जिज्ञासा होने के कारण लड़के ने अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने वन अधिकारियों से इस मादा तेंदुए के लिए मारने की अनुमति वापस लेने का भी अनुरोध किया, क्योंकि उसने इस तरह से काम किया था जो जंगल में माताओं के लिए पूरी तरह से स्वाभाविक था और केवल अपने शावकों की रक्षा के लिए हमला किया था। उन्होंने ग्राम सभा को विस्तार से स्थिति के बारे में बताया कि यह आदमखोर क्यों नहीं है और वे मामले को समझ गए। तब विभाग द्वारा मारने की अनुमति वापस ले ली गई थी और एक बार फिर श्री रावत ने एक निर्दोष तेंदुए और उसके 2 मासूम शावकों को विनाश से बचाया था। उसके बाद यह मामला बंद कर दिया गया था। लगभग उसी समय पिथौरागढ़ में डीडीहाट नामक एक छोटे से पहाड़ी शहर में जिस स्थान पर एक घटना हुई थी उसके करीब आदमखोर हमलों की खबरें और अफवाहें आने लगीं। इस डर से कि लड़के पर हमला करने वाला तेंदुआ वही तेंदुआ हो सकता है, वन अधिकारियों ने एक बार फिर से रावत साहब से तेंदुए को ट्रैक करने और डीडीहाट में हुए ताज़ा हमले की जाँच करने को कहा। जब रावत जी डीडीहाट पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अभी अभी एक फौजी तेंदुए के हमले से बचा है। 2 अगस्त 2014 की शाम को ये फौजी एक स्थानीय कैंटीन में शराब पीने गया था। बाद में उस शाम उसका पीछा आदमखोर द्वारा किया गया था क्योंकि वह अपने घर को कैंटीन से चल चुका था। फौजी जिस खतरे में था उससे बेखबर और पूरी तरह से अनजान वह जंगल से अपने घर तक ऊंची आवाज में गाना गाते जा रहा था। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी आंगन में मूसल से धान पीस रही थी। वह अभी भी गाना गा रहा था और अपनी पत्नी को खुशी से हाथ लहरा रहा था। पूरे रास्ते चुपके से घर में घुसे तेंदुए ने फैसला किया
कि जोर से गुर्राने के साथ पीछे से अपना घातक हमला शुरू करने का यही सही समय है। तेंदुए ने आदमी की पीठ पर छलांग लगा दी और उसकी नशे की हालत में और कुछ हद तक डगमगाने की स्थिति में आदमी ईंटों के एक टन की तरह आगे की ओर गिर गया। साथ ही उसकी बहादुर और तेज तरार पत्नी ये देखकर चीख पड़ी कि क्या हो रहा है। इस निडर महिला ने मूसल को अपने हाथों में लिया और जोर से चिल्लाया। उसने तुरंत मूसल से तेंदुए पर जवाबी हमला किया। तेंदुआ, जिसके पंजे अब तक उसके पति की पीठ में गड़े हुए थे, उसे घसीट कर सड़क के पार जंगल में ले जाने की कोशिश में था, उस पर जमकर गुर्राया। भय के उन्माद में उसने बार बार तेंदुए को मारा जो अभी भी उसके पति के ऊपर था। 5 फुट लंबी मूसल के साथ उसने 3 से 4 बार हमला किया। मारपीट घर पर ही हुई होगी क्योंकि तेंदुआ दर से गुर्राता रहा। अगले ही पल तेंदुआ अंधेरी रात में गायब हो गया था। तब तक फौजी बेहोश हो चुका था और उसकी पीठ पर गहरे घावों से काफी खून बह चुका था। महिलाओं की चीख और तेंदुए की दहाड़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। वे तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल ले गए। वन विभाग द्वारा एक मामला दायर किया गया था और बदले में उन्होंने लखपत जी को बुलाया, जिन्होंने इस नरभक्षी कार्यप्रणाली की जांच शुरू की। इस हादसे के बाद निम्नलिखित घटनाएं तेज और उग्र हो गईं। जब लखपत जी ने इस क्षेत्र में तेंदुए के मारे जाने के पिछले रिकॉर्ड का अध्ययन किया और आसपास के विभिन्न गांवों के कई स्थानीय लोगों से पूछताछ की, तो उन्हें सादमखोर के व्यवहार से एक आकर्षक पैटर्न के बारे में पता चला। पगमाग और लोकल साइटिंग से वह जानते थे कि ये एक बहुत बड़ा बूढ़ा नर तेंदुआ था, लेकिन अन्य आदमखोरों के विपरीत उसने कभी भी किसी बच्चे या बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला नहीं किया था। उसने जिन लोगों को निशाना बनाया और मारा, वे केवल नशे में थे। पहली दर्ज हत्या 2 साल पहले 23 जनवरी 2012 को हुई थी। एक व्यक्ति जिसने अपनी क्षमता से अधिक शराब पी थी, सड़क पर बेहोश हो गया था। अगले दिन लोगों ने सड़क के किनारे एक बड़ी मात्रा में खून पाया और निशानों का पीछा करते हुए एक सड़क से कुछ गज की दूरी पर जंगल में कुछ घनी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ उसका आधा खाया हुआ शरीर पाया। ये मृत व्यक्ति एक स्थानीय शराबी और झगड़ेल स्वभाव का था, जिसका कोई परिवार नहीं था और ना ही कोई घर था, इसलिए लोग इस घटना को जल्दी भूल गए। दूसरे मरने वाले आदमी की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। एक और अन्य स्थानीय पहाड़ी व्यक्ति जो पास के एक अन्य गांव में कच्ची दारू नामक एक प्रकार की घर में बनाई गई दारू पीने के बाद बेहोश हो गया था, 1 महीने बाद मारा गया। हत्याएं एक समान पैटर्न में जारी रहीं और 2.5 साल में 10 अलग अलग गांव में फैल गईं। इस आदमखोर की हिट लिस्ट में कुल 16 शराबी थे जिन पर हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं वन अधिकारी द्वारा टीडी हार्ट में दर्ज की गई घटना की रिपोर्ट। रिपोर्ट में उन तारीखों का जिक्र है जिन पर इस नरभक्षी के 16 पीड़ितों पर हमला किया गया और उन्हें मार डाला गया। पहाड़ियों के इस हिस्से में एक कहावत है, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, जिसका अनुवाद कुछ हद तक अपना स्वाद खो देता है, लेकिन इसका मतलब है कि जैसे ही सूरज ढलता है पहाड़ी शराब के नशे में मस्त हो जाता है। और इस तेंदुए ने केवल उन लोगों पर हमला किया जो इस श्रेणी में आते थे। इसी तरह 3रा 4था 5वां शिकार, उसकी 16वीं हत्या तक सभी पुरुष थे जो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत थे और मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगातार अजीब पैटर्न पाया गया। तेंदुआ अपने शिकार को पहले मारता, फिर उसका पेट खोलता और उसमें मौजूद शराब को प्रचुर मात्रा में पी जाता। फिर वे पसली के पिंजरे को तोड़ता और फेफड़े और दिल और धड़ के कुछ हिस्सों को खा जाता, जिससे शरीर के निचले मांस वाले हिस्से अछूत रह जाएंगे। वन अधिकारी वास्तव में इस विचित्र खाने के पैटर्न को देख के हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि तेंदुआ इन लोगों को भोजन के रूप में नहीं मार रहा था, बल्कि समय समय पर शराब पीने के लिए। यह आदमखोर तेंदुआ जाहिर तौर पर एक शराबी था, ऐसा लोग मानने लगे। मामले के तथ्यों से पता चला कि यह विशेष आदमखोर एक शांत और नशे में व्यक्ति के बीच आसानी से अंतर कर सकता है। इस बात ने वन अधिकारियों को चौंका दिया और चकित कर दिया। जब उन्होंने आगे जांच की तो उन्होंने पाया कि डीडी हाट के चारों ओर बिखरे हुए लगभग 10 अलग अलग गांवों के समूह में वह उन जगहों के बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता था जहां शराब का सेवन किया जाता था और फिर नशे में धुत आदमी का पीछा करता था। एक आदमी जिसने खुद को दूसरों से अलग कर लिया, वह उसी आदमी को अंधेरे की आड़ में उस पर हमला करता और फिर उसे अपना शिकार बना लेता था। अब वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन प्राकृतिक मानव
सजगता और मोटर क्षमताओं को भारी रूप से कम कर सकता है। जबकि हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आदमखोर इन वैज्ञानिक अध्ययनों के बारे में सहज रूप से समझता था। वह जानता था कि शराबी वापस नहीं लड़ सकते थे और उनकी प्रतिक्रिया कम थी। कभी कभी वह उसे मारने से पहले लड़खड़ाते हुए आदमी के बगल की सड़क से गुजरने का इंतजार भी करता था और अपनी अविश्वसनीय चलाकी के साथ उसने केवल शराबियों को निशाना बनाया, क्योंकि वे उसके नापाक उद्देश्यों के लिए असामान्य रूप से नरम लक्ष्य थे। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, उसके अधिकांश शिकार समाज के स्तंभ नहीं थे बल्कि स्थानीय गुंडे और शराबी थे, जिन्हें शुरू से गांव में पसंद नहीं किया जाता था। इसलिए लोगों ने उनकी मौतों के बारे में ज़्यादा शोर नहीं मचाया। वास्तव में ठीक से इसके विपरीत, एक मामले में एक शराबी था जो नियमित रूप से शराब खरीदने के लिए अपनी पत्नी के कमाए और बचाए गए पैसों को छीनने के लिए उसकी पिटाई करने की प्रतिष्ठा रखता था। उन्हें इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि उनकी पत्नी की गाड़ी कमाई उनके बच्चों की यूनिफॉर्म और स्कूल की किताबों के लिए जमा की गई है। जब ये आदमी आदमखोर का अगला शिकार बना तो स्थानीय महिलाओं में ये सुखबुगाहट थी कि ये तेंदुआ उन सबकी बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहा है। लेकिन फौजी पर हमले के बाद, जो कि एक पारिवारिक व्यक्ति था और गांव वाले जैसे बहुत पसंद करते थे, ये रवैया बदल गया। इस तेंदुए के बारे में आखिरकार कुछ किया जाना था। तभी ग्रामीणों ने वन अधिकारियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। निशानेबाजों को भर्ती किया गया और जाल बिछाए गए, लेकिन ये चतुर बूढ़ा तेंदुआ उन सब से बच निकला। एक समय पर एक अन्य प्रसिद्ध शूटर मिस्टर जॉय वकील ने अगली मानव हत्या के सामने एक गुफा में जमीनी स्तर पर बनाए गए छलावरण वाले मचान में इंतजार किया, लेकिन अंधेरे में शॉट चूक गया और तेंदुआ घनी झाड़ियों में गायब हो गया। दो और निशानेबाजों का भी यही हर्ष हुआ। तेंदुआ उनके लिए बहुत तेज था और उनकी गोलियों को भी चकमा दे गया था। शिकारियों ने महसूस किया कि समय के साथ और मौत के साथ उसके करीबी मुठभेड़ों के तीन अनुभवों और चूक गई गोलियों के साथ तेंदुआ और भी सतर्क हो गया था। इससे पहले कि वह उसके पास पहुंचते, वह सावधानी से हत्या कर देता और अगर उसे कुछ भी संदिग्ध लगता तो वह दूसरी बार मारे बिना ही वहां से गायब हो जाता था। इसका मुकाबला करने के लिए रावत जी ने फैसला किया कि इस तेंदुए की चालाकी को मात देने का एकमात्र तरीका एक ट्री टॉप, मरने की जगह उनकी .315 टेलीस्कोपिक राइफल की 300 यार्ड रेंज में होगी। वो आखिरी शिकार 30 सितंबर 2014 को मुगरोली नामक स्थान पर हुआ था, जहां एक शादी हो रही थी। शादी में एक डिशवॉशर ने बर्तन धोते समय शादी के जश्न में काफ़ी शराब पी ली थी। लगभग 1 बजे जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो उसने शादी की पार्टी को अलविदा कह दिया और खुशी खुशी गाना शुरू कर दिया और अपने गांव तक चलने लगा, जो उस गांव से 3 किलोमीटर ऊपर था जहां शादी हुई थी। वह कभी अपने गांव नहीं पहुंचा। उसके अवशेष मुगरोली के पास जंगल के रास्ते में पगडंडी में मिले थे। श्री रावत ने इस आखिरी शिकार के 2 दिन बाद क्षेत्र का दौरा किया और आदमखोर के पैरों के निशान को ट्रैक करने के बाद उन्होंने जंगल में एक क्षेत्र में एक भैंस के बिछड़े को बांधने के लिए एक जगह का चयन किया, जहां इस आदमखोर के पगमार्क अधिक बार पाए गए थे। फिर उन्होंने घोर पाटा पास के वन बंगले में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। दूसरे दिन खबर आई कि भैंस के बछड़े को तेंदुए ने मार डाला है और उसका थोड़ा सा हिस्सा खा गया है। जब उन्होंने उस दिन उस स्थान का मुआयना किया जहां आशंकित रूप से खाए गए बछड़े के अवशेष पड़े थे, तो उन्हें इस मार के आसपास आदमखोर के ताजा पगमार्क मिले। उन्होंने इधर उधर देखा और पाया कि जंगल से लगभग 50 गज की दूरी पर जंगल की ढलान पर 2 और पेड़ उग रहे थे। एक मजबूत मचान बनाने के लिए उन्हें 4 पेड़ बनाने के लिए लगभग समान ऊंचाई के 2 और पेड़ जोड़ने होंगे, जिस पर एक छलावरण मचान बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने और वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को 2 छोटे पेड़ों को दूर से उखाड़ने और पेड़ों को साइड पर लाने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने इन छोटे पेड़ों को फिर से लगाने के लिए 2 गड्ढे खोदे। 4 पेड़ों के इस सेट पर जमीन से करीब 15 फीट ऊपर जल्दी से एक मचान का निर्माण किया गया। उसी दोपहर 3 बजे तक शनिवार 4 अक्टूबर 2014 को रावत जी एक सहायक के साथ मचान पर चढ़ गए थे, जो 12 वोल्ट की पेशेवर शूटिंग सर्च लाइट अपने साथ लेके गया था। योजना ये थी कि एक बार जब वे तेंदुए को उसके मारने पर वापस सुन सकते थे तो सहायक प्रकाश चमकाएगा और साथ ही साथ श्री रावत आदमखोर को ध्यान से निशाना बनाकर फायर करेंगे। उनकी योजना तय हो गई
उन्होंने इंतज़ार किया। घंटे बीत गए और शाम 7 बजे तक जंगल में घना अंधेरा हो गया था। रात में बादल छाए और बूंदाबांदी हुई। पेड़ों की पत्तियों पर झिलमिलाती बारिश ने उनके लिए आने वाले तेंदुए की आवाज़ों को सुनना मुश्किल बना दिया। समय धीरे धीरे चला गया। शिकारी और उसका सहायक बिना आवाज़ किए निश्चिल बैठे रहे। लगभग 1 बजे शिकारी ने अपने सहायक से एक हल्का धक्का महसूस किया। तब उन दोनों को दूर से हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसका अर्थ था कि कोई पशु लोट के पास है और संतुष्ट होकर खा रहा है। रावत जी ने धीरे से अपनी राइफल, जो उनकी गोद में पड़ी थी, कंधे तक लाए और हेल्पर को एक धक्का दिया। उस पूर्व व्यवस्थित संकेत पर उसके सहायक ने मारने की दिशा में शक्तिशाली सर्च लाइट चमका दी। प्रकाश की चमकीली किरण ने उस क्षेत्र को रोशन कर दिया। प्रकाश की अचानक किरण ने तेंदुए को आश्चर्य से पकड़ लिया और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और प्रकाश के सौत्र को देखने के लिए ऊपर देखा, शिकारी ने सावधानी से निशाना साधा और गोली चला दी। तेंदुआ पीछे की ओर उछला और अजीब गुर्राहट करते हुए रोश में गोल गोल घूमने लगा। लखपत जी ने महसूस किया कि यह अजीब आवाज़ इसलिए थी क्योंकि तेंदुए के फेफड़े ढह गए थे। उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा और जानवर में एक और गोली मारी और उसे ढेर कर दिया। डीडी हार्ट का शराबी आदमखोर हमेशा के लिए मौत के आगोश में चला गया था। पोस्टमार्टम से एक बहुत बड़े बूढ़े जानवर का पता चला, जो लगभग 14 साल का था, जिसके केनाइन टूटे हुए थे। हालांकि उसके पंजे अभी भी शानदार आकार में थे, जिसने बताया कि उसने अपने दांतों के बजाय फौजी को नीचे लाने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल क्यों किया था। जब उन्होंने जानवर को मापा तो वह एक तेंदुए के लिए बहुत बड़ा था, लगभग एक बाघ के आकार का, 7.5 फीट से अधिक लंबा, और उसके अग्रभाग और अंग अस्वाभाविक रूप से मांसल दिखते थे, लगभग जैसे कि वह स्टेरॉयड के आहार पे था। आज तक रावत जी मजाक करते हैं कि तेंदुए ने अपने कई मृत पीड़ितों से जो शराब पी थी, उसने उसके आकार को और बढ़ा दिया होगा। सफल शिकार की खबर सुनकर सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने अब मृत दुश्मन को देखने के लिए सभी दिशाओं से धावा बोल दिया, जिसने 2 साल से अधिक समय तक डीडी हाट और उसके आसपास के लगभग 40 गांवों में आतंक फैला रखा था। फौजी उनमें से एक था। उसे अभी भी चलने के लिए छड़ी की जरूरत थी, क्योंकि उस तेंदुए ने उन्हें लगभग अपंग बना दिया था। लेकिन जब उसने मृत तेंदुए को देखा तो नए सिरे से ताकत के साथ वे मृत जानवर की ओर दौड़ा और अपनी चलने वाली छड़ी से उस पर कुछ भयंकर वार किए। फिर वह पीछे हट गया, उसका क्रोध समाप्त हो गया और पास के पेड़ के तने पर पीठ टिका कर बैठ गया और एक बच्चे की तरह सिसकने लगा। जब रावत जी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो फौजी ने हिंदी में उत्तर दिया, साहेब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े और मजबूत हथियारे के हमले से बच गया। मैं बस भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और इस तेंदुए को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उसने मेरी जिंदगी बख्श दी। और इस तरह डीडी हार्ट के शराबी आदमखोर की अजीब लेकिन आकर्षक गाथा का अंत हुआ।